नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़े उस बड़े मुद्दे की जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी। आपको बताते चले कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और ये सत्र भी हंगामेदार रहेगा, जिसके पूरे पूरे आसार है। लेकिन इस बार के सत्र की खासियत यह है कि 65 सालों बाद जो नियम बदले हैं, अब नए नियमों के तहत विधानसभा का शीतकालीन सत्र संचालित जाएगा। लेकिन इस सत्र में भी समाजवादी पार्टी हर बार के सत्र की तरह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई भी नजर आएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम मॉनसून सत्र की बात करें तो अखिलेश यादव मुखर होकर ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर नजर आए। उन्होंने तीखे बयान देते हुए ओम प्रकाश राजभर पर जबानी तंज कसा, उसके बाद वार पलटवार का खेल विधानसभा में देखने को मिला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और लगातार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसकी वजह से अब 65 सालों के बाद विधानसभा सत्र के संचालन के लिए नई नियमावली को जारी किया गया है और इस बार का जो सत्र संचालित होगा वो भी नए नियमों के अंतर्गत ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने जा रही है, यानी कि कल के दिन से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इस बार का शीतकालीन सत्र बहुत अहम माना जा रहा है, इसका जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं और अहम इसलिए है क्योंकि शीतकालीन सत्र नए नियमों के तहत अब संचालित किया जाएगा, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य अपने साथ सदन में मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकेंगे और विधानसभा की कार्रवाई 65 साल बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत संचालित होगी। यानी कि लगातार जो कार्रवाई संचालित हो रही थी, लेकिन अब इस बार की कार्रवाई जो सदन चलेगा वो नए नियम से चलेगा और 65 सालों के बाद ये मौका आया है जब नए नियम के तहत विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ही सदन का संचालन करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि सदन से कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, जिन्हें लेकर अक्सर सवाल खड़े होने के साथ ही विवाद की भी स्थिति पैदा हो जाती थी। ऐसे में अब यूपी के विधानसभा के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य सत्र के दौरान सदन के अंदर मोबाइल, झंडे, प्रतीक या कोई भी तरीके की प्रदर्शन की सामग्री अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन अहम है कि इस बार वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आएगी और क्या सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जो तमाम विपक्षी दल के नेता है वो एकमुश्त होकर जब सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष को घेरेंगे तो आखिर सत्ता पक्ष का जवाब क्या होगा और जिन नए नियमों के तहत इस बार का शीतकालीन सत्र संचालित होगा उससे क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। वही अमितेश पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज मैं विवेक पांडे जी से करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विवेक जी, आप एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर यूपी में जाने जाते हैं, ऐसे में अब शीतकालीन सत्र का संचालन शुरू हो जाएगा, कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे या साफ तौर पर बीजेपी को घेरेंगे सदन के अंदर? विवेक जी, सवाल पूछने के लिए हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केवल चुनावी मोड में रहने के आधार पे ये वावाई लूटने का प्रयास करती है कि हम तो हमेशा चुनाव की तैयारी चुनाव लड़िए, लेकिन जनता के मुद्दे और जनता के मुद्दों से सरोकार आप कब करेंगे, इसका भी जवाब दीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में महिला सम्मान बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कल मेडिकल कॉलेज कानपुर में जिस तरह से एक बच्ची का शव पाया गया जिसके साथ बहुत ही जघन्यता की गई थी, उसी आधार पे कहीं ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है, कहीं अन्य वर्गों के दलित बच्चों को पेशाब से नहलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है जो बीजेपी की नेतृत्वकर्ता लोग हैं और ये दूसरे राज्यों में जाके ढकोसले और झूठ परोस रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो आपने MOU साइन करवाए थे, कितने धरातल पे उतरे हैं उस पर जवाब दे दें। उद्योग लाने की बात थी, रोजगार की बात थी, उस पर जवाब दे दें। बहुत जम करके इनसे सवाल पूछे जाएंगे और सबसे बड़ी बात है DGP तो सो ही नहीं रहा है, क्योंकि DGP है ही नहीं। आज तक उत्तर प्रदेश को ये DGP नहीं दे पाई। ये पहला कार्यकाल ऐसा है किसी मुख्यमंत्री का जिसमें DVG के पद के लिए दावेदार भी नहीं कर मिल रहे हैं इनको। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के जो इनकी राजनयिक समस्या है
वो बहुत ही ज्यादा ध्वस्त हो गई है। और योगी जी चूंकि जानते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि उनको लोकसभा भेज करके रिटायरमेंट दिया जाएगा, तो योगी जी भी गंभीरता से, मुझे लगता है कि समय काटने का काम कर रहे हैं, वो भी गंभीरता से दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं फाइलों की जांच की आंच कहीं ना कहीं लोक भवन तक जाएगी। 2486 का मामला हो, चाहे दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार का, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का, पुनः जिस तरह से बच्चों को पीटा गया, उनको घसीटा गया, मुझे लगता है युवाओं के ऊपर जिस तरह लाठियों से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये सारी बातें मुद्दे सदन में आने वाले हैं, क्योंकि आप केवल दूसरे राज्यों में जाकर के झूठ परोस रहे हैं और उस झूठ का खामियाजा जनता समझ चुकी है। तो अब जनता भी मन की बात देखिए, कल मैं पहली बार देख रहा था आश्चर्य के साथ, मन की बात का सब्सक्रिप्शन देखिए 700 कुछ, मतलब वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। ये स्थिति कर दी आप लोगों ने अपनी, कि जनता के मुद्दों को नकारते हुए और भाजपा के नेताओं के द्वारा अवैध किए जा रहे कब्जों पे जो पीड़ित है, IGRS के माध्यम से उनको अति पीड़ित किया जा रहा है, भाजपा के नेताओं के कब्जों को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है, अवैध कब्जों को, भाई जो परप्रांतीय बाहर रह रहा है वो गांव वापस नहीं आ सकता क्योंकि भाजपा के नेता उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं और योगी जी उनको संरक्षण देते हैं। सबसे हास्यप्रद बात, 72-74 IGRS के मामले में IAS IPS PPS स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उसपे कार्यवाही आज तक पता नहीं। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का पता नहीं। एक SIT बनी थी, SIT की रिपोर्ट का आज तक पता नहीं। मुझे लगता है कि केवल खाना पूर्ति करते रहने से आप लंबे समय तक समय नहीं काट सकते हैं, और एक समय के बाद जनता के सामने आपका सत्य उजागर हो जाता है कि आप केवल और केवल जुमले फेंकते हैं, और जुमले तो आप फेंक चुके, जितने फेंकते थे जुमले आपके पास बचे भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है विदाई का समय है, और विदाई के पहले एक जो रुदन प्रलाप होता है वही सदन में आप देखेंगी भाजपा वालों का। बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा कमेंट देखिए, अमितेश जी भी लगातार बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए कल आपके पास भी मौका होगा, लाजमी है कि विधानसभा में आपका भी सदस्य है, लेकिन बीते दिनों जो एक्शन लिया गया उसके बारे में आप भी बखूबी जानते होंगे कि विधानसभा सदन के अंदर से आपसे कार्यालय लेके महज आपको एक छोटा सा केबिन देने की बात कही जा रही है अमितेश जी। हाँ देखिए, वो जो केबिन देने की बात कही जा रही है, कार्यालय हमसे लिया जा रहा है जी, वो बात, वो देखिए सत्ता में जो लोग हैं वो सत्ता का बिल्कुल बतौर रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्ष को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें, और जहां तक मैं जानता हूँ हमेशा से ये प्रयास ये लोग करते आए हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारा कार्यालय ये ले ले, या हमारा कार्यालय दे दे, या फिर किसी अन्य पार्टी का कार्यालय बड़ा कर दे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपने बातों को उठाती रही है सदन में, जनता के बातों को उठाती रही और जनता के लिए काम करती रही और करती रहेगी। पंकज रस्तोगी जी, देखिए 65 साल के बाद ये वो मौका आया है जब नए नियमों के तहत शीतकालीन सत्र का संचालन होगा। ये जो नए नियम जारी किए गए हैं सभी सदस्यों के लिए लागू किए गए हैं, जो नए नियम, इससे क्या बड़ा बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो ये शीत सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये सत्र हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। और सवाल इस बात का है कि 65 साल बाद जो नियम में बदलाव करके जो जिस तरह से नियम को लागू किया गया है कि कोई भी सदस्य अंदर, विधानसभा सदस्य भीतर अपने झंडा बैनर या मोबाइल नहीं ले जा सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा इस तरह का प्रयास है और इससे बहुत सी चीज़ों में सार्थकता आएगी। ये अगर इस तरह के बदलाव हुए हैं तो इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। और रहा सवाल जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ की विदाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कानून का, भयमुक्त शासन का राज उत्तर प्रदेश में कायम किया है, आज उसकी मिसाल चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां भी जो है जनता योगी योगी मॉडल को मांग रही है और कह रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई किसी भी अपराधी के खिलाफ वो करते हैं, वो बिल्कुल तय समझ लीजिए कि वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये तो खाली जुमलेबाजी है, विपक्ष के लोगों का एक वो रहता है कि वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की विदाई हो रही है और वो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं और आगे भी रहेंगे, और 2032 के चुनाव में, 2027-2032 तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रहेंगे। उत्तर प्रदेश का जनमानस योगी आदित्यनाथ में एक ऐसी छवि देखता है, वो जानता है कि एक वो ऐसे कुशल प्रशासक हैं जिन्होंने अपराधियों के ऊपर लगाम कसने का काम किया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कसने का कार्य किया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सीधी सी बात समझ लीजिए। और मुस्लिम वर्ग के लिए भी उन्होंने किसी तरह की, उनकी योजनाओं में कोई पार्शियलिटी नहीं रहती है, हर योजनाओं में मुस्लिमों को उसका भरपूर लाभ मिलता है। तो ये सब इस तरह की बात करना न्यायसंगत नहीं है। और जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस मुद्दों को उठाती रही है और करती रही है, उसका मुद्दों को उठाते उठाते आज कांग्रेस एक सीटों पर आगे सिमट गई और उसका कार्यालय भी उसे छीन लिया गया, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल
समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उसका विलय कर दिया गया, उसको बड़ा कर दिया गया। तो ये कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए, कांग्रेस जिस तरह की बात करती है, कांग्रेस का क्या हासिल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बिल्कुल ठीक है अमितेश जी, आपने सुना साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि आप लगातार ये मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि सदन के अंदर तो आपका एक ही सदस्य है और आप बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की विफलताएं गिनाते लगातार आप नजर आते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की बात की। हम सभी ने देखा कि कोविड में कैसे गंगा में लाशें तैर रही थी। हम सभी ने देखा कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के समय कैसे अजय, आदरणीय सांसद अजय मिश्र टेनी जी के लड़के ने किसानों पर कैसे गाड़ियां चढ़ा दी। ठीक है, मैं अपनी टीम, अमितेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, मैं अपनी टीम से बोलूंगी अमितेश जी की आवाज को ठीक कराया जाए। लेकिन एक सीधा कमेंट मैं विवेक पांडे जी से लेना चाहूंगी। देखिए विवेक पांडे जी, लगातार पंकज रस्तोगी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो 65 साल बाद नियम बदले हैं, इससे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, एक जो कहते ना पारदर्शिता आएगी, वो पारदर्शिता देखने को मिलेगी। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का टेक क्या है, ये जो 65 साल बाद ये जो नियम बदले हैं सत्र के संचालन के लिए? सब मना कर देना बिल्कुल भाई, कौन चाहेगा कि उसके पार्टियों की फजीहत हो, किसी तंबाकू मसाले और न जाने कैसे कैसे इनके दृश्य वहां आए कि सदन में संसद में चर्चा की गंभीरता को छोड़ करके व्यसन में लिप्त रहना। भाई आपको याद ही होगा अन्य राज्यों में, तो मुझे लगता है कि अपनी कमजोर छवि को छुपाने के लिए ये कदम इनका बिल्कुल उचित है, क्योंकि पिछली बार जब पत्रकारों को पीटा जा रहा था तो कई लोगों ने वीडियो वायरल कर दी थी। तो इस तरीके की कार्यप्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी है कि कैमरों पे लगाम लगाई जाए, और बहुत कोई गंभीरता की बात नहीं कि हो सकता है कि आपके मीडिया के कैमरों को भी अंदर न जाने दिया जाए अब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत जानते हैं, जमीनी स्तर पे वो ये बात समझ रहे हैं कि उनकी एक हवा हवाई जो छवि बनाई गई थी, उनके द्वारा खड़ी गई एक प्रतिबिंबित छवि जो थी वो ध्वस्त हो रही है। और बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने इतने कसीदे पढ़े हैं, और उससे भी बड़ी बात की भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। विवेक जी, जिस तरह से पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, आप तो पहले ही हताश हो गए, बढ़ चढ़ के जिस तरह से भाग ले रहा हूं, जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, वो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। इससे अरे मेरी बात तो आ जाए, आप और समाजवादी पार्टी के समय मुलायम सिंह, अरे मेरी बात आ जाए, मुझे पता है विज्ञापन मिल रहा है भाई, दो सौ तीन तीन मंडल रोज हुआ करते थे, अपराधों का ग्राफ था। अरे भाई सुन लीजिए, अपराधों की बात सुन लीजिए, सबसे अधिक दंगे हुए, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है पंकज जी, एक एक करके पहले विवेक पांडे जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर सीधा मैं आपका रुख करूंगी, बोलिए विवेक जी। हाँ, मैं अपनी बात को पूरी कर रहा था कि मैं आदरणीय पत्रकार महोदय की इस हताश भाषा को देखते हुए बड़ा मुझे अचंभा लग रहा है कि वो, मैं उनकी कसीदे पढ़ने जा रहा था, वो पहले हतोत्साहित हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पत्रकार हैं, मैं आपकी सारी बातों का स्वागत करता हूँ, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि कानपुर में जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, बीएचयू में दोबारा जो लड़कियों के साथ हुआ, उसके बाद जिस तरीके से फिर पलायन हो रहा है यूपी में, एक बोर्ड पूरा वायरल हो रहा है, आपको पता ही होगा, अगर घटना का संज्ञान हो तो मैं भेज देता हूं आपको, तो इन घटनाओं को भी आपको सृजित करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की पुलिस संस्था जो है बिना डीजीपी के नेतृत्व के चल रही है, और एक ऐसी संस्था जिसपे की मुख्य नेतृत्व करता ही नहीं है, उसके बिना कानून व्यवस्था की क्या दुर्गति है, क्या किसी से छिपा है? मैं कहता हूं आप कसीदे पढ़िए, उसके पीछे क्या कारण है वो सब जानते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको भी कहिए। मैं सिर्फ ये अपेक्षा करता हूं आपसे, बाकी मैं कोई अपेक्षा, मैं आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आप पत्रकार हैं, अगर पिछली बार सदन पे पत्रकारों पे लाठियां चली तो आप गारंटी दीजिए कसीदे पढ़ने में कि इस बार नहीं चलेंगी, और अगर आप नहीं ले सकते गारंटी तो आपको सत्य भी कहना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी टीम से पूछूंगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तो देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क स्थापित हुआ तो उन्होंने इस चर्चा में बैठने के लिए मना कर दिया। लाजमी है कि आज उनसे जब सवाल तीखे पूछे जाने थे तो वो इस चर्चा में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। खैर ये तो अलग की बात है, लेकिन पंकज रस्तोगी जी, जिस तरीके से आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो नियमावली बदली है इससे एक पारदर्शिता आएगी, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए, जो अपनी गलतियां हैं उसको छिपाने के लिए जो बीजेपी है उसने ये नियम बदले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाना चाहती है। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ही कई करोड़ राशन कार्ड हो, चाहे कई करोड़ लोगों को जो फर्जी पेंशन दी जाती थी
वो सब बंद हो गई और अब डायरेक्ट पैसा जनमानस के खाते में जा रहा है। तो ये सब पारदर्शिता का ही नतीजा है कि इस तरह की चीजें हो रही है। और विधानसभा जहां से सब नियम कानून बनते हैं, सब सारी चीजें जनमानस के चीजें परिलक्षित होती हैं, तो अगर उसके नियमों में बदलाव किया जा रहा है तो उसमें क्या मुसीबत है, उसमें होना चाहिए, उसमें क्या परेशानी है? वो तो नियम सारे 403 सदस्यों के ऊपर लागू होंगे, किसी एक दल विशेष के ऊपर तो लागू नहीं होंगे, तो उसमें क्या परेशानी है? वो तो सबके लिए लागू होंगे, एक पारदर्शिता आएगी, सदन में एक स्वस्थ माहौल बनेगा और अच्छा माहौल बनेगा, तो ये इससे जनमानस का ही लाभ होगा, जनता के हितों की बात होगी, तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल, लेकिन पंकज रस्तोगी जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, आप लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, बहुत खुल के आप गिना रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां इतनी ही बड़ी थी तो आज जब उनका विवेक पांडे जी के सवालों से सामना होना था तो आज वो चर्चा में नहीं जुड़े, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चर्चा में हो सकता है कि वो किसी कार्यों में व्यस्त रहे। विवेक श्रीवास्तव हमेशा हर डिबेट में मौजूद रहते हैं और हर तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं। आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और इस तरह की ये हो सकता है कि किसी अनुष्ठान या किसी कार्यक्रम में वो व्यस्त हो, नहीं तो वो वैसे 99% हर तरह की डिबेट में वो व्यस्त दिखाई देते हैं। पंकज रस्तोगी जी, माफी चाहूंगी, विवेक श्रीवास्तव जी पहले बैठे थे, वो आए 2-3 मिनट वो जुड़े हमारे साथ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मुद्दा क्या है, डिबेट का टॉपिक क्या है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फोन काट दिया और वो इस डिबेट को बीच में ही छोड़ के चले गए। तो अब आप प्लीज साइड मत लीजिए उनका, लेकिन अमितेश पांडे जी साइड लेने की बात नहीं है, मतलब ये आदमी का कब किसके ऊपर क्या विपत्ति या किसके ऊपर क्या परिस्थिति आ सकती है? अरे वो व्यक्ति पंकज रस्तोगी जी कैसी बातें कर रहे हैं, अरे इतना मत बचाइए, चैनलों में हम लोग के साथ बैठते हैं, वो एकमात्र बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ भी तमाम तरह के एस्पेक्ट रखते हैं। ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो उसको भी निष्पक्ष तरीके से रखता हो। ये विवेक श्रीवास्तव जी ऐसा करते हैं। फिलहाल देखिए, मेरे साथ तो यही हुआ है कि वो 2-3 मिनट इस चर्चा में जुड़े, लेकिन जब उन्हें शायद सवाल पता लगे, शायद पता लगा कि मैं कर रही हूँ डिबेट या विवेक जी जुड़े हुए हैं जो लाजमी है सवाल पूछेंगे, तो उनको डिबेट बीच में छोड़ के जाना ज्यादा सही लगा। खैर, अब उन पे नहीं रहते हैं, लेकिन देखिए लगातार अमितेश जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मैं एक रिमार्क उनसे चाहूंगी। बोलिए अमितेश जी। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सदन में अभी हम सभी को विरोध के प्रतीक ले जाने से मना किया गया, मोबाइल फोन ले जाने से मना किया गया है। यह केवल इसलिए किया गया है क्योंकि विपक्ष सही तरीके से सरकार की नाकामियों को ना गिना सके, सही तरीके से उनका विरोध ना कर सके। और हम सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का इतिहास कि कैसे इन्होंने विपक्ष विरोध करने वालों को दबाया है, कुचला है, उन्हें परेशान किया गया है। हम सभी जानते हैं बिहार, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार की लोक गायिका है नेहा सिंह राठौड़ जी, कानपुर में जो ब्राह्मण परिवार के साथ घटना हुई थी तो उन्होंने एक लोक गीत गाया था और उस गीत के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहा था, कैसे तुरंत लगभग 12 से 13 घंटे भी नहीं हुए थे और उनके घर पे समन भेज दिया गया, पुलिस भेज दिया गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम सभी जान रहे हैं कैसे उनके पति यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोचिंग कराते थे, पढ़ाते थे, उन्हें संस्थान से निकाल दिया गया, उस परिवार को पूरा परेशान किया गया। हम सभी जान रहे हैं कैसे कुछ ईमानदार पत्रकार थे जिन्होंने सरकार से सवाल पूछने का प्रयास किया, उन्हें भी परेशान किया गया सरकार के द्वारा, तो ऐसे क्यों होता है? बिल्कुल ठीक है विवेक पांडे जी, जब मानसून सत्र हुआ था तो उसमें साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जो निशाना था, जो टारगेट था, वो ओम प्रकाश राजभर थे। गानों के जरिए उन पर तंज कसा गया, तमाम जुबानी वार भी देखने को मिला। इस बार कौन सा नेता है आपकी रडार पे? देखिए, रडार की बात नहीं है, हम मुद्दों की बात करेंगे। और मुझे तो लगता है कि इस पूरी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता की कमी कहीं महसूस नहीं हो रही है। हाँ, एक पत्रकार या निष्पक्ष विश्लेषक की वो कमी जरूर महसूस हो रही है। अभी मामला एक मेरठ का सामने आया जहां पर कि अभी, क्योंकि अब मैं इनको पत्रकार कहूं या प्रवक्ता या आप तय कीजिए, लेकिन अभी एक मेरठ का मामला आया जहां मेडिकल थाना क्षेत्र में एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अगवा करके उसको पीटा गया बलभर, और उसके बाद योगी जी के सजातीय लोगों ने उस पर पेशाब कर दिया। ऐसा ही एक सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश में, और उसके बाद वो वाहवाही, आडंबर, दिखावा, और उसके बाद वो स्वयं आकर के उसने सत्य उजागर किया और भीम आर्मी ज्वाइन कर ली। ये मुझे लगता है कि पत्रकारिता के इस दौर में जितना निष्पक्ष पत्रकारिता आज प्राइम टीवी कर रहा है उसके लिए मैं आपको साधुवाद और बधाई दूंगा, लेकिन एक और पत्रकारिता का चेहरा आज उजागर हुआ जिसने ये स्वीकार, मैंने अभी निवेदन किया था कि घटनाओं का सत्य भी स्वीकार कीजिए। आप जाकर के उन राज्यों में ये नहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है,
जहां पे विश्वविद्यालय के अंदर बच्चियों को छेड़ा जा रहा है वो सुरक्षित नहीं है कैंपस में, महिला बच्चियों का घर में घुस के बलात्कार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, ये आप नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रायोजित रूप से विज्ञापन के लिए केवल आप अपनी कलम की स्याही को सुखा रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा कि पूर्व में जो हुआ अगर वर्तमान में वो दृश्य दिखाई देगा तो मुझे यकीन है कि उस दृश्य को दबाने का पूरा कार्य किया जाएगा। कम से कम मैं मांग करूंगा योगी सरकार से कि पत्रकारों को बख्श दे इस बार, लोकतंत्र की गरिमा का सम्मान करें और पत्रकारों पे किसी भी तरह का लाठीचार्ज या हाथापाई उनके साथ ना हो, इस बात को पहले सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि वो सदन के अंदर की बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात पे आऊंगा, जिस तरीके से आज एक दृश्य वायरल हुआ बैंगलोर में तेजस में उड़ करके एक कीर्तिमान रचा गया, उसी दिन बैंगलोर में एक सैनिक की शहादत और उसकी शहीद शोक सभा आयोजित थी, मुझे लगता है उस शोक सभा में भी जाने का एक अवसर था मोदी जी के पास, लेकिन संवेदना होती तो जाते, वो तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आत्मुग्धता से प्रेरित होकर के हवा में। तो मुझे लगता है कि दृश्य काफी है, सदन में सब पे चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत सवाल जो है 69,000 शिक्षक भर्ती, 24 यूपीएसआई की 2021 की यूपीएसआई भर्ती में भ्रष्टाचार, और उससे भी बड़ी बात कि क्यों योगी सरकार अभी तक सबमिट के उद्योगों को जमीन पे धरातल पे नहीं ला पाई, उस पे क्या कार्रवाई की गई, कितने उद्योग स्थापित किए, उस पे हम सवाल उठाएंगे। बेरोजगार युवकों को किस तरह घसीटा जा रहा है, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वो मुद्दे भी उठेंगे। और जिस तरह से चिकित्सा की व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह फाइलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और इन्हीं के प्रवक्ता ये कह रहे थे ना कि विवेक जी बहुत जिम्मेदार है, तो विवेक जी खुद कहते हैं कि अधिकारी योगी जी के नहीं सुनते, कई डिबेट में वो ये बात स्वीकार कर चुके हैं। तो अगर योगी जी के अधिकारी योगी को मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है लानत ऐसे मुख्यमंत्री पे। बिल्कुल ठीक है, अब एक जवाब लेना चाहूंगी मैं पंकज रस्तोगी जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए आपने बहुत करीब से देखा होगा पंकज जी, समाजवादी पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, और कांग्रेस के साथ बसपा को भी, लेकिन अब जिस तरीके से हम बीते, आप कल की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो लाजमी है समाजवादी पार्टी सवाल पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी भी उसका जवाब देती हुई नजर आएगी, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के बीच कौन किसको मात देता हुआ नजर आ सकता है? देखिए सवाल पूछना, चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है तो सवाल पूछना लाजमी है, और सवाल इस बात का है कि जिस तरह की जो भी घटनाएं हो रही, जो विकृत मानसिकता के और अराजक तत्व, जिस तरह के भी लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, वो जेल भी जा रहे हैं, चाहे वो लॉरेंस जो मुस्लिम था जिसने चापड़ से जो है बस के कंडक्टर के ऊपर हमला किया वहां उसके ऊपर, तो ये सब जो जितनी चीजें हैं तो ये सब भी चीजें सरकार त्वरित संज्ञान लेती है, और जिस तरह से उसका वायरल हुआ और जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ तो ये भी देखने लायक है। इसको भी बोलना चाहिए कि इस तरह की कोई भी घटना जो जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाई दिया और लॉरेंस हाशमी, तो ये सब चीज़ें भी तुरंत, इसके लिए भी विपक्ष को बोलना चाहिए, खाली ये सब चीज़ें खाली विरोधात्मक बातें ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और आप देखिए 2012 से 17 में क्या हुआ था, 700 से अधिक दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, और आज योगी आदित्यनाथ की 6 साल की सरकार हो गई, कोई दंगे हुए क्या? तो इस बात को भी विपक्ष को मानना चाहिए, खाली ये कह देने से काम नहीं चलेगा। और सवाल ये है कि जो व्यक्ति इस तरह की अराजक घटनाओं में, अराजक स्थिति में, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे अन्य लोगों के साथ इस तरह की अराजकता फैलाने का काम और इस तरह की चीजें अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है, और सरकार इसके लिए कार्रवाई भी करती है। और अगर सरकार के को नहीं अगर संज्ञान आता है तो जैसे ही मीडिया के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान मिलता है, उसमें कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। पहले तो आप ये देखिए, पहले की सरकारों में तो इस तरह का कुछ कृत्य नहीं होता था, तमाम ये मुलायम सिंह की सरकार थी, 3 मर्डर रोज होते थे, ये रिकॉर्ड है, उसको आप रिकॉर्ड छान के दिखवा सकते हैं, मुलायम सिंह खुद मुख्यमंत्री। तो सवाल इस बात का, तो ये भी आप देख लीजिए ना, इसको भी तो देख के चलिए, तो खाली ये कह देने से। और दूसरी चीज, पहले की सरकारों ने शैक्षणिक बेरोजगार किए, आज बेरोजगारी की आप बात करते हैं, 1955 से लेकर 2014 तक आपने कितने रोजगार दे दिए कि आज जो आप बेरोजगारी की बात करते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ये हल्ला करते हैं। 12 से 17 अच्छा, तक मतलब आप इसलिए रोजगार नहीं दे रहे कि आपके अनुसार समाजवादी पार्टी में रोजगार नहीं दिया गया था, ये कहने का मतलब है? 12 से 17 तक आपके कहने का तात्पर्य है कि आप इस बात को ऐसे प्रस्तुत करेंगे, अभी आपको वो भी आंकड़े दिखाऊं, आपने कितने रोजगार दे दिए जो आप इस तरह की बात करते हैं। रोजगार की बात करें तो जो सरकार रोजगार दे रही है इसको भी देखना चाहिए। अगर विश्लेषण, हम लोग विश्लेषण करते हैं, हम लोग किसी पार्टी के या किसी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बैठते,
लेकिन सवाल ये, जो चीज सही है उसको सही बोलिए, जो चीज गलत है गलत बोलिए। विपक्ष का ये काम नहीं कि हर चीज में टीका टिप्पणी, हर काम में खाली टीका टिप्पणी करते रहिए, हर चीज में क्या करें, रेड कार्पेट बिछा दे, रेड कार्पेट बिछा दे, नहीं नहीं भाजपा विपक्ष में रेड कार्पेट बिछाती थी क्या? नहीं नहीं, ये भाजपा विपक्ष में रहकर के लिए रेड कार्पेट बिछाती थी, उसी का नतीजा है, देखिए उसी का नतीजा है। 2017 2019 2022 भारतीय जनता पार्टी का ही अगर जनमानस में इतनी लोकप्रियता ना होती, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ना होती, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ना होती, तो भारतीय ये समाजवादी पार्टी 2017 से लेके लगातार हार का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो आपके निकाय चुनाव हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, हर चुनाव में उसको हार का मुकाबला करना पड़ा। अगर आपका कृत्य और आपकी चीजें इतनी ज्यादा अगर सही थी तो किसी चुनाव में तो आपको सफलता मिलती, निकाय चुनाव में आपको क्यों नहीं सफलता मिली, निकाय चुनाव में भी आप हाशिए में चले गए। तो इस तरह की बात करना और ये कहना, इस बात को समझिए, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती। ठीक है पंकज रसोगी जी, आपने लारे भाषमी का जिक्र किया जो हाल ही में प्रयागराज में चौपड़ से कंडक्टर की गला रेतकर हत्या की गई है, लेकिन देखिए पंकज जी, क्या जब कोई ऐसी घटना होगी तब पुलिस एक्शन लेगी और ये बोल के जो सत्ता पक्ष है वो अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता ना, आप अपराध पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहे? अपराध अंकुश लग नहीं रहा है, लगातार हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ तो आप मुझसे बहुत करीब से देख रहे होंगे, तो ये कह देना मैं बिल्कुल लाजमी नहीं समझती हूँ कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, हम अपराध क्यों नहीं रोक पा रहे, उसे रोकने में क्यों फेल हो रहे हैं? देखिए अपराध रोकने में ये सरकार बिल्कुल रूप से जो है सक्षम है और अपराधियों के ऊपर लगाम कसने का काम अगर किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई हजार इनकाउंटर हुए, 193 से अधिक क्या नाम अपराधी जो है काल कलमित हुए, उनको ऊपर का रास्ता दिखाया गया। तो ये सब कहना, खाली इस तरह की बात करना और खाली एक दो आईने मतलब दो उस तरह से देखना, ये निहायत गलत है। योगी आदित्यनाथ इस अपराधों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर अपराध हो चाहे किसी तरह के अपराध हो, ये अगर कहा जाता है तो अगर आप अन्य पिछली तुलना अगर आप कर लीजिए तो यही नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा रिपीट हुई है। बिल्कुल ठीक है, देखिए पंकज जी कल लाजमी है कि विवेक पांडे जी इस मसले पर सदन के अंदर सवाल पूछेंगे, तब मैं भी जवाब का इंतजार करूंगी कि इस मसले पर सत्ता पक्ष जवाब क्या देता है। अमितेश जी का आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी। पूछना देखिए, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, वो सवाल पूछना उसका काम है और वो जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है, वो तो ये तो चलता ही रहता है। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए जी, बोलिए। सत्र कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, ये 2 दिन के सत्र का क्या तात्पर्य होता है भाई? शीतकालीन सत्र 2 दिन इसलिए चलेगा क्योंकि भाजपा को प्रचार करना है अन्य राज्यों में, भाजपा के सारे विधायक मंत्री सांसद जो है अन्य राज्यों में प्रचार में व्यस्त है, इसलिए उत्तर प्रदेश का सत्र केवल 2 दिन का होगा, 29 और 30 तारीख को। मुझे ये बात जरा स्पष्ट कर दे पंकज जी, जो सुशासन की इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, चूंकि पत्रकारिता तो इनमें झलक नहीं रही है इस समय, ये पत्रकार नहीं इसमें प्रवक्ता है भाजपा के। अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी की वाहवाही करने वालों के शब्द कैसे पलटते हैं वो सब देखा, पुराने वीडियो भी आपके में दिखा दूंगा, रुक जाइए पहले मेरी बात आ जाए। अब मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना, अभी मैं आपको एनसीआरबी के एक आंकड़े देता हूं जिसमें कि 2017 के बाद से दंगों के मामले में गिरावट के प्रतिशत जरूर है लेकिन इन्होंने कहा एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, 19 और 20 में 7.2% की वृद्धि उत्तर प्रदेश में दंगों में देखी गई, जिसमें मैं आपको आंकड़े दे दूं, 17 में 8,900 सांप्रदायिक दंगे बलवे की घटना, 18 में 8,908, 19 में 5,714 और 2020 में 6,126 दंगे बलवे और सांप्रदायिक घटनाओं की रिकॉर्ड जो जानकारी दर्ज की गई है वो एनसीआरबी ने की है। और मुझे लगता है एनसीआरबी किसी राजनीतिक दल की संस्था नहीं है। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, शब्द मत लड़खड़ाइए। एनसीआरबी के डेटा को अगर आप चुनौती दे सकते हैं, अगर आप एनसीआरबी के डेटा को चुनौती दे सकते हैं तो मेरे दिए आंकड़ों पे एनसीआरबी को नोटिस करिए, जाइए कोर्ट में, लेकिन झूठ मत परोसिए, पत्रकार के धर्म को कलंकित न करिए। वरना जब भी पत्रकारिता की बात आएगी आप जैसे लोग गोदी मीडिया के शब्दों से रवाने जाएंगे भाई, आप लोगों की वजह से पत्रकारिता पे सवाल उठते हैं। आप पत्रकार के हैसियत से बैठे हो लगातार, मर्यादा प्लीज, आप अपने शब्द देखिए, आप उनके प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा सकते, देखिए उन्होंने हर एक पार्टी को बहुत करीब से देखा है। प्लीज कौन सा आंकड़ा भी आप प्रस्तुत, नहीं मैं तो सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ, इनसे कहिए ना, इनसे कहिए इसको मिथ्या साबित करें, इनसे कहिए इसको मिथ्या साबित करें। केवल भाजपा को राजनीतिक लाभ देने के लिए आदरणीय रस्तोगी जी जैसे पत्रकार बैठ करके भाजपा की वाहवाही करते हैं राजनीतिक विश्लेषक की आड़ में, तब से लगातार ये भाजपा के प्रवक्ता की कभी विवेचना कर रहे हैं, कभी उनका बचाव कर रहे हैं, तथ्य इनको पता नहीं है।
और बैठ करके झूठ पर उसके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तथ्य आपको नहीं मालूम है? बिल्कुल ठीक है, तथ्य आपको नहीं पता? मुजफ्फरनगर संघ में भी भाजपा के सांसद की सांसदी गई थी, क्या बात करेंगे आप, विधायक की गई थी, सॉरी तथ्य ना प्रस्तुत करिए। जिस समय आप गलत प्रस्तुत कर रहे हैं बैठ करके, आप भाजपा की तरफ से बैठ करके केवल और केवल पत्रकारिता को बेचने का काम कर रहे हैं। आप केवल और केवल भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से बैठिए, आप भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से बैठिए, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। प्लीज एक एक करके बोलिए। अब मैं क्लोजिंग रिमार्क लगातार अमितेश जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनसे लेना चाहूंगी। बोलिए अमितेश जी। जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो कि अब भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं, उन्होंने कुछ देर पहले योगी सरकार के बारे में बहुत ज्यादा महिमामंडन किया और बताया कि कैसे उनके सरकार में कार्यवाही हो रही है। हमने आज तक न कार्यवाही होते अजय मिश्र टेनी जी के लड़के पे देखा, न ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्यवाही हुई। और जहां तक इन्होंने रोजगार की बात करी तो भी कुछ दिनों पहले हमने बिहार का नीतीश और तेजस्वी मॉडल देखा, अपने पड़ोसी राज्य बिहार का नीतीश और तेजस्वी मॉडल देखा, जिसमें किस तरह से लोगों को रोजगार मिल रहा था। और ये लोग बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को कहते हैं कि यहाँ पे राम राज्य स्थापित है, बिहार में जंगल राज्य है, और हमने उस राम राज्य से लोगों को पलायन करके हमारे जैसे युवाओं को जंगल राज्य में जाते देखा। तो मतलब वहां पे वैकेंसीज नहीं निकल रही है, वहां लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या होते देखा पुलिस कस्टडी में। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए, बीते दिनों बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है क्योंकि सत्र की शुरुआत होगी और बड़ा सवाल यह है कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जब सवालों की झड़ियां लगेंगी तो सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और कौन किसको मात देगा जब शीतकालीन सत्र चलेगा, जब संचालन शुरू होगा, जब भाषणों का दौर जारी होगा, तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 65 सालों बाद अब ये वो समय आ चुका है जब एक नए नियमों के तहत सत्र का संचालन होगा। अब इस सत्र के संचालन में किस तरीके से समाज वादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी, वो कौन कौन से मुद्दे कल सदन में उठेंगे जब समाजवादी पार्टी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगी, उसका जवाब क्या होगा, अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खुद को पेश करती है जवाबों के जरिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।